21 मार्च 2022 चाइना ने अपनी तारीख का सबसे खतरनाक प्लेन क्रैश देखा, जिसमें से तीनों पायलट समेत 132 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ये चाइना का बोइंग 737 प्लेन था। दोस्तों, इस प्लेन क्रैश के बारे में जो सबसे अजीब बात है वो ये है कि इसके क्रैश होने के पीछे ना तो खराब मौसम है और ना ही कोई टेक्निकल फॉल्ट। इस प्लेन क्रैश के बारे में जो बातें सामने आई हैं उनमें से ये भी कहा जाता है कि ये एक सुसाइड मिशन था, ना कि प्लेन क्रैश। चाइना की गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ भी एक्सेप्ट नहीं किया कि ये सुसाइड मिशन था या फिर प्लेन क्रैश। इसकी इन्वेस्टिगेशन अभी तक जारी है। जब ये प्लेन जमीन पर गिरा तो ये जमीन में 66 फीट नीचे धस गया। इसमें इंटरेस्टिंग बात तो ये थी कि ये प्लेन 29,000 फीट की हाइट से एक मिनट में जमीन से टकराया, और ये बात अभी तक सामने नहीं आई कि ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर सुसाइड मिशन। ये सवाल अभी तक अंडर इन्वेस्टिगेशन है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।